दोस्तों मान लो आपके सामने एक टनल है एंड उसके अंदर टाइम बहुत अलग तरीके से फ्लो करता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक मिनट बिताना है एंड वो रियल लाइफ के एक वीक के बराबर हो जाएगा, तो क्या आप उसके अंदर जाना चाहोगे? वेल, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है हमारे इस एनिमे के अंदर, या फिर मैं बोलूं एनिमे मूवी के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं एंड उस मूवी का नाम है द टनल टू समर द एग्जिट ऑफ गुड बाइज। सो ये मूवी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रामा है इसके अंदर, फैंटेसी है इसके अंदर, आपको टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, रोमांटिक एंगल देखने को मिलेगा एंड बहुत सारी सुपर नेचुरल थिंग्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। सो अगर आप एक एनिमे देखना चाहते हो जो कि रोमांटिक हो पर आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो आप इस मूवी को देख सकते हो एंड इस मूवी की लेंथ है सिर्फ और सिर्फ 1 hour 23 minutes। सो आपको मूवी के प्लॉट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस मूवी के अंदर सिर्फ दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, हमारा हीरो एंड हीरोइन। हमें हीरो की फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम चलती है एंड एक दिन उसके पापा उसको ड्रंक होकर कुछ कुछ सुनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो घर से भाग जाता है एंड उसको बाहर जाकर एक टनल मिलती है। एंड आप सही सोच रहे हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वही वाली टनल है। इस टनल के अंदर टाइम कुछ अलग तरीके से बीतता है एंड ये बात हमारे हीरो को नहीं बताती है, वो उसके अंदर चला जाता है। वो सिर्फ एक मिनट के बाद बाहर आता है एंड उसको पता चलता है कि असली वर्ल्ड के अंदर एक हफ्ता हो चुका है। वो फिर अपने घर पर जाता है, उसे उसके पापा मिलते हैं, उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम मुझसे नाराज होकर एक हफ्ते के लिए चले गए थे, दोबारा ऐसा मत करना, तुम एक हफ्ते तक कहां थे? वो कहता है एक हफ्ते के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने गया था। उसके पापा बोलते हैं बता दो तुम कहां गए थे। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है एंड वो चला जाता है। उसके बाद उस लड़के को अच्छे से रियलाइज होता है कि सच में एक हफ्ता हो चुका है। हमारी जो हीरोइन है स्टार्टिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा बोल्ड करेक्टर है एंड इससे पहले हमारा हीरो जो हीरोइन से मिल चुका है, वो एक स्टेशन पे मिलते हैं जहां पर लड़की जो है बारिश से बचने के लिए एक शेड के अंदर बैठी हुई थी एंड वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन ट्रेन जो है लेट हो जाती है, तो हमारा हीरो उसे एक अम्ब्रेला ऑफर करता है। फिर हमारे हीरोइन को भी टनल के बारे में पता चल जाता है एंड वो दोनों इसकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस टनल के अंदर एक और खास बात है कि उसके अंदर आपको पुरानी चीजें मिल जाएंगी। सो हमारा जो हीरो है उसको अपनी बहन चाहिए होती है जो कि मर चुकी है एंड वो इसलिए टनल के अंदर जाना चाहता है। तो उसके अंदर जो भी एडवेंचर करते हैं वो आपको पता चल जाएगा एंड हमारी हीरोइन क्यों उसके पीछे पड़ रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। वेल, जैसे मैंने बताया हमारी हीरोइन जो अपने काम से काम रखने वाली लड़की है, लेकिन धीरे धीरे वो साथ में इतना टाइम बिताते हैं हमारी हीरोइन को हीरो से प्यार होने लग जाता है, लेकिन हमारा हीरो एक दिन उसे बिना बताए वहां से चला जाता है, लेकिन हमारी हीरोइन जो है सालों साल तक उसका वेट करती है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसकी जो पेसिंग है वो कहीं पर स्लो है कहीं पर फास्ट है, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन दोनों की लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो कि वो इस टनल की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन इन दी एंड उसको इन टनल की जरूरत है ही नहीं। एंड मुझे पर्सनली भी खुद स्लो पेसिंग की मूवीज देखना या फिर कोई भी सीरीज देखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं स्टिल इसको देख पाया एंड मुझे ये अच्छी भी लगी। सो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इसकी स्लो पेसिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बीच बीच में हो सकता है आपको ये कहीं ना कहीं योर नेम की याद दिला दे, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ टाइम ट्रेवल से रिलेटेड ही कुछ होता है। सो ये मूवी बेसिकली दो बंदों की कहानी है जो कि दोनों अपने पास्ट से परेशान थे, लेकिन पास्ट को भुलाकर वो आगे बढ़ते हैं एंड अपने प्रेजेंट को एक साथ जीते हैं। सो आप मूवी देख के पता कर सकते हो कि हमारी जो हीरोइन थी उसको क्यों पास्ट के अंदर जाना था एंड हमारा हीरो क्या अपनी बहन से मिल पाया एंड वो क्यों अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं एंड सबसे बड़ी बात वो क्या चीज थी जिन्होंने इनको इंस्पायर करा कि वो अपने पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट पे बढ़ सके। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही होलसम सी एंड छोटी सी रोमांटिक स्टोरी है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो नारा, जय हिंद एंड जय भारत।